ठीक है। चल दिया ना। चलो हाँ चल हो गया। हाँ ठीक है। चल वापस। अभी हाँ अपन को चल देख, अभी अपन को क्या करना है, अभी सबसे पहला फाइल में जाके प्रोजेक्ट का देख क्या क्या होता है, टाइप होता है टाइप, ठीक है। मेवन प्रोजेक्ट क्या होता है, हाँ जावा प्रोजेक्ट क्या होता है, ठीक है। जावा प्रोजेक्ट तेरे को कोई भी जावा प्रोजेक्ट बनाना है तो जावा प्रोजेक्ट हाँ बनाता है। मेवन प्रोजेक्ट क्या होता है पता है क्या, कि एक मेवन का रिपोजिटरी रहता है, मतलब ठीक है, रिपोजिटरी मतलब डेटाबेस जैसा कुछ रिपोजिटरी तो है ना। मतलब डेटाबेस जैसा, हाँ वैसा समझ, कि उनके वेबसाइट पे सब चीज़ पहले पहले से प्रेजेंट है, अपन को सिर्फ फेच करना अपन को डिपेंडेंसी ऐड करना है अपने प्रोजेक्ट में, समझा। ओके। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मेवन प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। क्रिएट अ सिंपल मेवन प्रोजेक्ट, डिफॉल्ट लोकेशन, नेक्स्ट। अब मेवन प्रोजेक्ट के लिए अपन को नाम देना पड़ेगा भाई, ठीक है। नॉर्मल एक नाम देते हैं, सचिन देते हैं, सचिन इसमें सचिन कुछ अपर ये अपना ये होता है क्या, केस सेंसिटिव होता है क्या, नेम वगैरह ऐसा कुछ कुछ। भी दे भाई, आर्टिफैक्ट नेम नॉर्मल कुछ भी बना हाँ दे, ठीक है। ओके ओके। नॉर्मल नॉर्मल कुछ भी, अभी फिनिश का ऑप्शन है तो फिनिश दे देते भाई, देखते क्या बनता है, ठीक है। सचिन के हिसाब से एक फॉर्म डॉट एक्सएमएल बन गया। उसमें क्या है, उसमें क्या है, SRC क्या है। अच्छा ये मेवन, ये मेवन प्रोजेक्ट है, मेवन प्रोजेक्ट का एक रिपोजिटरी रहता है, ठीक है। ये हो गया पॉम डॉट एक्स एम एल। पॉम डॉट एक्स एम एल में क्या होता है, ये हम लोग का आर्टिफैक्ट बन गया, ठीक है, इसको आर्टिफैक्ट बोलते हैं। तो अभी अभी अपन को क्या करना है ना, अपन को डिपेंडेंसी ऐड करना है पॉम डॉट एक्स एम एल में, ठीक है। तो जितने अभी अपन को डिपेंडेंसी अपन को कहाँ से ऐड करने पड़ेंगे, तो हम लोग वेबसाइट पर जाते हैं, ऐड मेवन सेलिनियम डिपेंडेंसी आ गया, साइट है, ठीक है, इनका साइट है। तो इनके वेबसाइट पे हम लोग गए, लेटेस्ट वाला कौन सा है वर्जन, सेंट्रल देखा, रिपोजिटरी देखा, सेंट्रल देखना, किधर है, किधर है। हाँ रिपोजिटरी लिखा है यहाँ पे नाम, ठीक है। रिपोजिटरी यहाँ सेंट्रल तो हम लोग को बराबर ना अभी, हाँ तो ये लेटेस्ट वर्जन देखते हैं अपन। लेटेस्ट वाला ये है ना 419 वाला। तो सेंट्रल में हम लोग उठाते हैं इसको, ये उठाते हैं, ठीक है। ये कोड है हल्का सा, ये कोड हाँ हम लोग को डिपेंडेंसी ऐड करना है, ठीक है। ये वर्जन है, वर्जन सर एकदम जार से, ठीक है। जितने भी जार्स प्रेजेंट रह गए वो प्रोजेक्ट चालू हुआ, तो हम लोग यहाँ पे डिपेंडेंसी हम लोगों ने ऐड कर दिया। सेव किया मैं, हाँ डाउनलोडिंग कुछ एक्सटर्नल रिसोर्सेज डिसेबल तो कैनॉट फाइंड द डिक्लेरेशन एलिमेंट प्रॉब्लम, ठीक है। अभी इसने बोला कि डाउनलोड एक्सटर्नल ये हो गया ना, ठीक है, कुछ ना कुछ। और हम लोग मोस्टली जितने भी यूज़ करते हैं ना, हम लोग ये मेवन रिपोजिटरी यूज़ करते हैं, ठीक है। मेवन इज़ लाइक बाप, सबका बाप है वो। रिफ्रेश मारा प्रोजेक्ट को, डिपेंडेंसी, अरे यार एक फॉर्म डॉट एक्स एम एल में इश्यू आ रहा है, ठीक है। मेवन XST, आई थिंक ये मेवन का URL लिखते, ठीक है। तो ये हम लोग को शायद से ये URL ऐड करना है, ठीक है। ये URL वर्क नहीं कर रहा तो हम ये URL डाल देते हैं। हो जा भाई, हो जा, हो जा। एक काम ही करते भाई, रुक जा, उससे अच्छा अपन पूरा ये उठाते हैं डिपेंडेंसी। अरे यार एड मेवन स्कीम, ठीक है, डिपेंडेंसी प्रोजेक्ट, क्या रह रहा है, मॉडल वर्जन इज मिसिंग। एक मिनट, इससे पहले क्या था, मॉडल वर्जन इज मिसिंग। एक रुक जा, अपन एक उससे पहले अपन ना मेवन रिपोजिटरी का, अपन एक मेवन रिपोजिटरी लेते हैं चैट जीपीटी यूज़ करके, मेवन रेपो फॉर्म डॉट एक्स एम एल, फॉर्म डॉट एक्स एम एल जावा सेलिनियम, ठीक है। अभी अपन को फॉर्म डॉट एक्स एम एल जावा वर्जन का लेटेस्ट मॉडल दे देगा भाई, लॉगिन वगिन दे देगा।
ठीक है, तो कोड मिल गया, आई होप अभी अपना एरर हट जाए। ठीक है, अपना एरर हट गया सेलिनियम, अब इसको रिफ्रेश मारेंगे। अभी देख, अभी अपना इसका फ़ायदा क्या पता है क्या, ये सुन, अभी सुन रहा है ना, अभी इसका फ़ायदा क्या है देख, अभी देख मेरा ये वर्जन आ गया, ठीक है, इसके देख यहाँ पे देख, दिख रहा है प्लगइन सब ऐड हो गए, डिपेंडेंसी सब ऐड हो गए। अब देखो जैसे कि मैं रिसोर्स में जाऊँगा, ये मेरे रिसोर्स के वाले फाइल है, ठीक है। अब जैसे कि मैं इसको रिफ्रेश मारूँ, एक बार रिफ्रेश मारूँ, तो मेरे जितने हम लोग ने ये सब दिए ना, जैसे कि लाइब्रेरीज देख, अभी देख ये सब जावा दिख रहा है, जावा डॉट देख, ये सब कैसे आ गया, ये आ गया, ये मेवन दिख रहा है, ये सब पहला खाली था क्या, खाली था ना, अपन ने सिर्फ रिपोजिटरी लिया। अभी ये क्या किया कि भाई ये जो वर्जन है, ये वर्जन का वो रिपोजिटरी में डाउनलोड कर देता अपने सिस्टम पे, लोकल पे, समझा बेसिक चीज। हाँ समझ गया। तो अभी अपन क्या यूज करने वाले, अपन यूज करने वाले टेस्ट एनजी, फ्रेमवर्क यूज करने वाले। अब देख, अभी सबसे पहले अपन को क्या चाहिए, क्लास फाइल, सचिन के अंदर अपन एक क्लास फाइल बना दे, कौन सा नाम है, सचिन टिचकुले, ये भी क्लास सेंसिटिव है कि नहीं, नहीं रे कुछ भी चलेगा, सचिन एस ए सी एच, सचिन टिच टी आई सी टी आई सी टिचकुले, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक दे दे, कुछ भी दे दे, इसके अंदर अपना एक सेलिनियम का एक मतलब एक अपने क्लास बनाया। अब ठीक है, अभी अपन देख नॉर्मल बेसिक, मैं अभी ना क्या करने वाला पता है क्या, ओके ये एक्सएमएल सूट है एम मेवन टेस्ट, ओके अभी ना मेरे एक सिंपल सिंपल टेस्ट एनजी, अरे सिंपल लिखा है, स्माइल लिखा है अभी, अच्छा अच्छा एस आई सिंपल एस आई एम पी एल सिंपल टेस्ट एन जी कोड सेलिनियम जावा, ठीक है, ओपन द ब्राउजर बी आर ओ डब्ल्यू एस आर, ठीक है, नॉर्मल ये ले लिया अपन ने, कोड आ गया अपना, रेडी हो गया, ठीक है। ये बेसिक है, तेरे को समझा देता हूँ कि स्टार्टर के अपन ने ये डाल दिया, अपन को क्लास चेंज करना पड़ेगा, फोर क्लास सेलिनियम टेस्ट करके, ठीक है, रीनेम द क्लास, क्लास नाम रीनेम कर दिया, बिफोर क्लास फिक्स दिस प्रोजेक्ट, ऐड हो जा भाई, ऐड जे यूनिट लाइब्रेरी पार्ट, इधर के क्लास चेंज किया था, नहीं क्लास आफ्टर क्लास का, ये रुक जाओ, ये क्या आ गया भाई, रुको डिलीट मार के। तो अभी ना, अभी अपन को ना एक मिनट, फॉर्म में क्या है, टेस्ट एनजी कौन सा वर्जन है, टेस्ट एनजी उसका वर्जन, टेस्ट एनजी वर्जन अपन को उधर से मिलेगा फॉर्म का, ठीक है, इसमें कुछ इश्यू नहीं है। अभी अपन को ना देख, अभी इसका तो सेटअप बता देता हूँ, पहला बेसिक समझ जा, बिफोर क्लास टेस्ट एनजी का सूट्स होता है, सूट समझता है, नहीं नहीं बोल, मतलब मेरा, मैंने क्या किया पता है क्या, मैंने प्री डिफाइन किया, जब तक मेरा ये क्लास एग्जीक्यूट होने से पहले ये चलना चाहिए, मतलब बिफोर क्लास, समझा, बिफोर क्लास, बिफोर क्लास, तो उसको सूट होता है, सूट टेस्ट एनजी में सूट्स होते हैं, ठीक है। तो लेट्स अपन लर्न करते हैं कि हाउ मेनी सूट्स आर देयर, ठीक है, अपन थोड़ा गूगल मारते हैं कि तेरे को सूट समझाता हूँ मैं, पहला सूट्स क्या होता है टेस्ट एनजी में, टेस्ट एनजी सूट्स, ठीक है, बिफोर क्लास आफ्टर क्लास टेस्ट एनजी, इमेजेस में है क्या कुछ, हाँ देखो देख, ये देख, ये सूट्स होता है, दिख रहा है, इसका हायरार्की बोलते, हायरार्की मतलब कैसा, मतलब ये होएगा तो ये होएगा, ये होएगा तो ये होएगा, ये होएगा फिर ये होएगा, फिर ये होएगा, फिर ये होएगा, मतलब उसको बोलते, ठीक है। देख तो मेरा जब भी मेरे को टेस्ट केस रन करना है ना, टेस्ट केस मतलब मैंने एक टेस्ट केस लिखा, ठीक है, तो ये सूट्स होता है, ये सब कभी आता पता है क्या, जब जब हम लोग कुछ चीज़ प्री डिफाइन करते हैं ना कि भाई मेरा टेस्ट केस रन करने से पहले ये मेरे पैरामीटर है, ये चलने चाहिए अच्छे से, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बिफोर सूट। तो ये इसका पैटर्न है, ठीक है, जब भी इंटरव्यू देगा ना, बोलेगा टेस्ट एनजी एनोटेशन बोलते इसको, ठीक है, टेस्ट एनजी एनोटेशन, बिफोर सूट, बिफोर टेस्ट, बिफोर क्लास,
ठीक है, बिफोर मेथड, फिर टेस्ट, आफ्टर मैटर, आफ्टर क्लास, आफ्टर टेस्ट, आफ्टर सूट, ये इसका एनोटेशन से ये याद कर लेना, ठीक है। अब अभी ये होता है क्या है, ठीक है, जब भी मेरे को कोई टेस्ट केस रन करना है सिंपल, जैसे कि मेरा एक टेस्ट केस है, ठीक है, तो उसका मैंने क्या किया, प्रीडिफाइन किया, प्रीडिफाइन मैंने क्या कर दिया भाई, कि भाई जब भी मेरा टेस्ट केस रन होएगा तो मेरे ये पैरामीटर्स क्या है पहला चेक कर। तो मैंने पैरामीटर्स में डाला कि भाई सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी डाल दिया, ठीक है, और उसका ड्राइवर, मतलब मैंने क्या किया भाई, एक इनिशियलाइज कर दिया ड्राइवर मेरा, जब भी टेस्ट केस चलेगा ना तो भाई सबसे पहला मेरा वेब ड्राइवर इनिशियलाइज है कि नहीं, मतलब सब कह रहे क्रोम ड्राइवर प्रेजेंट है क्या, ठीक है, इसको बोलते हैं बिफोर क्लास, ठीक है। मैंने सिर्फ जो तुमने एनोटेशन बताया है वो सब एनोटेशन एक ही मतलब प्रोग्राम में यूज होते हैं, सब कंपलसरी नहीं है ना, एट द सेम टाइम नहीं होते ना, एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम ही, जैसे मैंने कुछ कुछ प्री डिफाइन किया, जैसे कि मैं कुछ फ्रेमवर्क बना रहा हूँ ना, तो ये सब एनोटेशन काम आते हैं, ठीक है। अभी जैसे कि बिफोर क्लास यूज किया, तो उसके मैंने बिफोर क्लास यूज किया, बिफोर, जब भी मेरा क्लास, ये क्लास, क्लास का नाम क्या, सेलेनियम क्लास, जब भी मेरा सेलेनियम क्लास चलेगा तब तक मेरा पहला ये चलना चाहिए, मतलब इनिशियलाइज होना चाहिए, कोई भी चीज अपन क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। तो मेरा क्रोम ड्राइवर इनिशियलाइज हो गया, हाँ मुझे पता है भाई मेरा क्रोम ड्राइवर इनिशियलाइज हो गया, चलो तो मेरा टेस्ट केस रन हो जाए, टेस्ट केस रन होने के बाद क्या कर, टेस्ट केस होने के बाद मेरा आफ्टर क्लास चलेगा, टेस्ट केस खत्म हो गया, इसको बोलते हैं टीयर डाउन, क्या किया अपन ने, टीयर डाउन किया, समझा, ये कुछ बेसिक मेथड्स है, ये तीन आ गया तो समझ में आ जाएगा पूरा चीज, ठीक है। अभी अपन ना थोड़ा सा एक मिनट इसको सेव कर दो पहले, मैं डिलीट, ठीक है, डिलीट मांगे तो ये तीन चार चीज़ पे एरर आ रहा है, बिफोर क्लास, आफ्टर क्लास, ये काम नहीं कर रहा, बिकॉज क्योंकि इसके अंदर मेरे को लग रहा है ना टेस्ट चेंजिंग का थोड़ा इश्यू है। ओके ओके समझा मैं, एक मिनट रुका, इसको सेव करता हूँ, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, सबसे पहला मेरे सिस्टम में टेस्ट चेंजिंग शायद से है नहीं, तो अपन क्या करते हैं, एक बार टेस्ट चेंजिंग इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं इसमें इक्लिप्स में, ठीक है, हेल्प में जाके इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर, यहाँ से नहीं, इक्लिप्स मार्केट देखते हैं, मार्केट में जाके, हेल्प में जाके, मार्केट किधर है भाई, इक्लिप्स मार्केट प्लेस, ठीक है, इक्लिप्स मार्केट प्लेस गया अपन, समझ रहा है ना तेरे को थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब बहुत, ये सब ना मेरे को टेस्टिंग से ज़्यादा ये सब इम्पोर्टेंट है। देख टेस्ट एनजी अपन क्या करेगा, सर्च करेगा टेस्ट, यहाँ पे लिखेगा टी ई एस टेस्ट एनजी, ठीक है, टेस्ट एनजी सर्च किया, टेस्ट एनजी फॉर इक्लिप्स आ गया, इसको इंस्टॉल मार देते अपने सिस्टम पे, समझा, टेस्ट एनजी इंस्टॉल नहीं था करके अपने को एरर आ रहे थे, किस में आ गया एरर, कोड में आ गया एरर, दिख रहा है ये जो नोटेशन है ना, ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि इंस्टॉल ही नहीं है टेस्ट एनजी, तो ये टेस्ट एनजी इंस्टॉल हो गया कन्फर्म। अब ये डिपेंडेंसी ऐड करेगा अपना, लाइसेंस एक्सेप्ट किया अपन ने, अब ये इसको पता चल जाएगा, अरे भाई तूने तो टेस्ट एनजी यूज किया, अरे भाई सही है, ठीक है। अभी मेरा लोड हो रहा है, देख रहा नीचे लोड हो रहा है, देख डिपेंडेंसी सब ऐड हो रहा है, एक बार ये लोड हो जाए ना फिर अपन मचाएंगे। देखो ये तीन समझा ना, ये तीन चीज समझा ना, बिफोर क्लास, देख अपना तो पहला क्लास है, पहला अपनी क्लास क्रिएट किया बराबर, उसके बाद अपना एक टेस्ट केस एग्जीक्यूट करने का है, लेकिन टेस्ट केस एग्जीक्यूट करने से पहले अपन बिफोर क्लास एग्जीक्यूट करेंगे और आफ्टर क्लास। तो बिफोर क्लास में ये पब्लिक वॉइड के आगे सेटअप क्या, ये वाला एक मिनट बता, एक मिनट एक बार लोड हो जाए, रिस्टार्ट आईडीसी, अभी देखिए रिस्टार्ट हो रहा है, रिस्टार्ट हो गया, तो क्या बोल रहा था बिफोर क्लास के आगे सेटअप करके कुछ, अरे इसको एनोटेशन बोलते हैं, इसको एनोटेशन, ये टेस्ट इंजन का एनोटेशन है, मतलब क्या करता है अपना कोड को इजी बनाता है रीडेबल, अरे बिफोर क्लास ये एनोटेशन है बराबर, हां, और आफ्टर क्लास ये भी एनोटेशन है, हां, लेकिन समझो अब ये इधर देख, इधर ऊपर क्या क्लास नेम क्या है, पब्लिक क्लास से सिलेनियम टेस्ट डाला है कुछ तो बराबर, हां तो यही मैं पूछ रहा, ये मेथड नेम है क्या, पब्लिक वॉइड सेटअप, देख अभी सब एरर हट गया, हाँ हट गया ना, करेक्ट, हाँ ठीक है,
तो अभी देख अब क्या हो गया, मैंने बिफोर क्लास ऐड किया, ये डिटेक्ट कर अभी लिया। अभी ये अभी कौन सा मेरा वाला है, लेकिन ये अपना क्लास वाला है क्या? अपना क्लास वाला है, सेलिनम टेस्ट। हाँ अपन ने नाम दिया सेलिनम टेस्ट, ठीक है। हाँ अपना इधर दिख रहा है डिफॉल्ट पैकेज में अपना सेलिनम टेस्ट एक ही आ गया, ये अपना जावा डॉट फाइल, ठीक है। अभी अपन को ना देख, ये तीन अपना सेट हो गया, ठीक है। ये बेसिक तो सेट सचिन टेस्ट के लिए नाम दिया था ना, सचिन टेस्ट के लिए हट गया वो, मैंने डिलीट मार दिया, ये नाम है, अच्छा ठीक है, उसका रिप्लेस किया ना। तो मेरे को बता ये पब्लिक वॉइड सेटअप ये क्या मेथड है क्या? पब्लिक वॉइड सेटअप ये एक, हाँ ये इसको बोलते हैं ना, पता है, अभी जैसे कि मैं ये क्लास यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो पब्लिक वॉइड व्हाटअप सेटअप ये एक अपना एक मेथड है, मेथड समझता, मेथड ठीक है, एक मेथड में, हाँ जिसको बोलते हैं मेथड, इसको बोलते हैं ये मेथड, और इसको बोलते हैं एक मेथड, ये एक मेथड है क्लास के अंदर, इसके अंदर क्लास के अंदर, समझा? ओके ठीक है, ओके। चल अभी अपन क्या करते, देख अभी देख, ये अपना बेसिक समझ में आ गया तेरे को, अपन ने सेटअप कर दिया टेस्टएनजी फ्रेमवर्क सब सेटअप कर दिया, ठीक है। अभी अपन क्या करेंगे, अपन एक एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अपने पास वेब ड्राइवर का पाथ नहीं है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे उसके लिए अपन एक पहला एक रन मार के देखते हैं, ठीक है। तो जब भी अपन रन मारेंगे ना, जैसे हम लोग सेटअप कर दिया ना, तो रन एज ऑप्शन आएगा टेस्टएनजी, जब तक ये आ गया ऑप्शन समझ जाना कि तेरा कॉन्फ़िगरेशन हो गया है तेरा सिस्टम पे। अभी रन किया उसको, पब्लिक नेट किया, अलाउ एक्सेस कर रहा है, नेट इंटरनेट मांग रहा है, ठीक है। अब ये आएगा, देख क्या आया कॉन्फ़िगरेशन, फिर अपने एरर में सब लिख के आएगा, ठीक है। यहाँ पे अभी एरर में क्या लिख के आया कि भाई ड्राइवर एग्जीक्यूटेबल एरर, एरर समझ में आना चाहिए, ठीक है। जिस दिन तेरे को एरर समझ में आया ना, तो तू होशियार बन गया। अगर एरर समझ में नहीं आया तो तू तो भाई कुछ भी कर, ठीक है। तो अभी अपना क्लास, अभी अपना क्या बोला कि भाई ये बोल रहा है कि भाई मेरा क्लास रन नहीं, मेरा बिफोर क्लास सेटअप पे इशू है, फेल इन कॉन्फ़िगरेशन बिफोर सेटअप। तो अभी अपन को ये सेटअप करना है, ठीक है, मतलब ड्राइवर नहीं मिल रहा है। तो अभी ड्राइवर के लिए अपन क्या करते ना अभी ड्राइवर डाउनलोड करते हैं, ठीक है। इसके लिए अपन को सेलिनियम वेब ड्राइवर डाउनलोड, ठीक है। तो ये सेलिनियम का लिंक आ गया। तो अभी ओके, यहाँ से सेलिनियम अपन को कहाँ से, सेलिनियम वेब ड्राइवर है, क्रोम ड्राइवर, सेलिनियम ड्राइव ड्राइवर नहीं, सॉरी सॉरी, सेलिनियम वेब ड्राइवर ने मैं हक दिया, क्रोम ड्राइवर लगेगा, क्रोम ड्राइवर चाहिए अपन को, क्रोम ड्राइवर डाउनलोड, क्योंकि अपन को क्रोम ड्राइवर चाहिए, ठीक है। ये इसका नया अभी वेबसाइट है, ये लेटेस्ट वर्जन पे बोलते हैं कि भाई ये टेस्ट अवेलेबिलिटी है, ठीक है। अभी देख, अब मेरा अभी मैं ऑप्शन पे जाऊँ, सेटिंग में जाऊँ, मेरा अभी अबाउट वर्जन चेक करूँ तो इसमें है 123 अपडेट, ठीक है, 123 लेटेस्ट आ गए हैं। तो अब मुझे 123 चाहिए, ठीक है। तो वी कैन यूज़ फॉर दिस वर्जन फॉर न्यूअर एंड अब क्रोम टेस्टिंग इज अवेलेबल। तो मुझे लगता है स्टेबल पे जाके देखते हैं 123 किधर है भाई, 124 ना मेरा क्या था, 123, तो 123 किधर दिख रहा है तेरे को, ये वर्जन बीटा दिख रहा है, बीटा वर्जन है ये, ठीक है। क्रोम 124 बहुत बहुत आगे का आ गया भाई अपन, तो अपन को थोड़ा एक बैक जाना पड़ेगा, ठीक है। 123 स्टेबल वर्जन दिख रहा है, तो हम लोग जाएंगे स्टेबल वर्जन पे, 123 स्टेबल वर्जन, क्रोम लिनक्स एक्स अपने को क्या है ये है। तो अपन को ना ये कॉपी किया और ये इसके API को हिट किया तो अपना डाउनलोड हो जाता है, ठीक है, समझा, उसके API को हिट किया, ये मतलब ये अपना ये करने का, कॉपी करने का और हिट मारने का सिर्फ, हाँ कॉपी करके, क्योंकि अभी इन लोग ने क्या किया कि API के थ्रू सब कर दिया है, बार बार इनको करने का जरूरत नहीं है। अगर अपन API भी कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे ना, तो भी अपना ये बाय डिफ़ॉल्ट वो हो जाएगा वो। अभी देख रुक जा, अभी चेक करते हैं इसके अंदर क्या क्या अपन को मिलेगा ना, देखते ड्राइवर के अंदर, ठीक है। ये ड्राइवर को अपन एक्सट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे जाके एक्सट्रैक्ट फाइल, क्रोम ड्राइवर आ जा, ठीक है। ये क्रोम ड्राइवर का अपना, ठीक है, कॉपी कर दिया, ये लिंक कॉपी कर दिया अपन ने, और अपन गए इसके अंदर, और ये अपन ने यहाँ पे पार्ट डाल दिया, स्क्वाट आके पार्ट सेव किया, एक बार रन मार के देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। ये काम नहीं किया मतलब कुछ गड़बड़ है, तो ड्राइवर एक्सिक्यूटिव पार्ट, ओके। तो अभी ये तो अपन ने डाल दिया, तो डबल स्लैश इसके बाद ना अपने को क्रोम डॉट, अपन ने तो मेंशन किया ही नहीं exe फाइल, तो exe के लिए अपन को यहाँ पे करना है, सेव किया, एक बार और रन मार के देखते हैं।
अब रन हुआ ये हाँ अपना। ओके कुछ तो एरर आया शायद, दिस इज़ फॉर साइन इन, डोंट साइन इन, साइन इन मांग रहा है। ठीक है, हाँ तो ये नेटवर्क फेल है लगता है, कुछ तो क्रैश हुआ, कंट्रोलर क्रैश हुआ। ठीक है, अटेम्प्टिंग ग्राफिक्स, देखते। आई थिंक ये फर्स्ट टाइम था शायद से इसने मतलब इनिशिएट तो कर दिया, मतलब समझ, तेरा क्रोम ब्राउजर तो हो गया पर लेकिन ये इंटरेक्टेबल नहीं था। ठीक है, तो अभी अपन को वापस एक बार रिटर्न मार के देखते हैं, अगर सेम चीज आया। ठीक है, ये खुला, लॉन्च हुआ, मतलब देख इनिशिएट हुआ। ठीक है, हाँ अभी क्या बोल रहा है कि दिख रहा है, अपन लिखा क्रोम फॉर टेस्टिंग 123 वॉचिंग ऑटोमेटेड फॉर रेगुलर ब्राउजर। तो मतलब अभी अपना ये कुछ तो एनकाउंटर कर दिया है शायद से। तो अपने को पढ़ने दे क्या बोल रहा है, ये एरर क्या है। देख सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना, कभी भी कोई भी अगर तेरे को करना ना एक्सेस जीना नया, चेक द फाइल परमिशन। ठीक है, तो ये अगर मैं इसको एक बार हटाऊं, इम्पोर्टेंट है ड्राइवर डॉट ई एक्स, एक बार अपन चेक कर लेते हैं। इसके अंदर ना क्रोम है, क्रोम डॉट प्रॉक्सी है, एमपी लोड मैनिफेस्ट पैनल, एक बार अपन ना चैट जीपीटी को पूछ लेते हैं ये एरर क्या है ना। देख कभी कभी अपन को कोई चीज़ पता नहीं रहता ना, तो अपन ना चैट जीपीटी का यूज़ कर ले। ठीक है, अभी आदत लगा कोई भी चीज़ का। ठीक है, अभी अपन को ना क्या बनना है ना, अपन को ना एक डीबगर बनना है। ठीक है, डीबगर क्या होता है कि भाई तू कुछ इशू आए ना तो कुछ डीबग कर पाए। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कोई भी चीज़ करने के लिए क्रोम, इट इज़ एडवाइजेबल टू क्रोम क्लाउड मैनेजमेंट। ओके यू मी द लेटेस्ट में दे दिया मैंने। अब वो बचेगा सिंग 1 2 3, इसमें वही दिया है मतलब ड्राइवर मिशन ड्राइवर। ठीक है, अपन एक काम करते हैं, एक ये सिंपल सा अपन देते हैं, वैम ड्राइवर इनिशिएट हो रहा है पर लेकिन टाइम आउट मशीन एम डी 64, ओ 64 है, इसके कारण शायद से इशू आता रहेगा। अभी अगर अगर अपन ने ना देख रहा 64 वर्जन किया, अपन एक काम करते हैं 32 वर्जन डाउनलोड करते हैं, माइट भी इशू होता रहेगा, क्योंकि माइट भी ऐसा भी हो सकता है। इसको राइट क्लिक मार के गो टू किया, अपन ने डाउनलोड कर रहे हैं 32 वर्जन, देखते हैं। ये सब चीज़ भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अपन जो कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं ना, वो लोग पूछेगा कि हाउ यू हाउ द न्यू, समझ, कभी कोई इंटरव्यू क्वेश्चन आया। ठीक है, तो हाउ यू आर सेटिंग अप द क्रोम वर्जन। ये ठीक भी है, पूछता है क्या? हाँ भाई ये बेसिक, अपन को कैसे कोडिंग नहीं पूछता है, ये सब ही पूछता है। ये सब किया रहेगा ना तो तेरे को आइडिया आएगा कि भाई अपन कैसा सेटअप करते हैं सब चीज़। जब भी तू कोडिंग करने जाएगा तेरे को सेटअप करना पड़ेगा ना पहले, कि भाई ये सेटअप करूँ मैं, समझ। कोई एग्जांपल, फॉर एग्जांपल तू कोई कंपनी के काम कर रहा है, ठीक है, तू बोलेगा चल ये कोडिंग कर दे, पर लेकिन कोडिंग करने के कब आएगा, जब तू सेटअप कर पाएगा तेरे सिस्टम पे, तेरे को किसी दूसरे को पूछने का जरूरत नहीं, भाई सेटअप करके दे। समझा, वो सब चीज़ भी इम्पोर्टेंट होता है। तो अपन को ट्राई और एरर मार के देख रहे हैं कि क्या इश्यू है। ओपनिंग एग्जिस्टिंग ब्राउजर, ओ
ब्राउजर खुल गया। फेल हो गया, कुछ तो फेल हुआ। ठीक है, अब देखते क्या फेल हुआ है। ठीक है, ब्राउजर तो खुल गया है बट कॉन्फ़िगरेशन फेल हुआ है। कॉन्फ़िगरेशन फेल क्यों हो रहा है? क्रोम डॉट न्यू ठीक है। ओके ओके फॉर्म। अरे टेस्ट इंजन डॉट एक्सएमएल फाइल की तरह बट अरे यार टेस्ट इंजन डॉट एक्सएमएल फाइल ही नहीं है। सेव ओके ओके भाई अपन एक काम करते हैं भाई, ये जो मेरा फॉर्म है ना उसको एक बार रन करते हैं। अपन पहला मेवन इंस्टॉल कर लेते एक बार। अभी यार ये एक बार लॉन्च हो गया यार, कवरेज किधर हो रहा है? अभी इस रुक जाइए, मुझे कुछ ना एक्सेस बोल रहा है, रुक जाइए एक्सेस दिला ना रहा है, एरर पॉलिसी कुछ तो आ रहा है। ठीक है, अभी अपन को ना ये एरर था, मतलब अपना क्रोम खुल रहा है पर लेकिन अभी सीन है कि कुछ तो एरर आ रहा है एक्सेस दिला करके। ठीक है, एक्सेस दिला मतलब मेरे को परमिशन नहीं दे रहा है कुछ करने का। तो अभी ये अपन थोड़ा ये पूछते हैं चैट जीपीटी को, हाँ ये एरर क्या होते सॉल्व कर रहे हैं। अभी मेरे को बोल रहा है कि इट क्रोम इट इज अवेलेबल यूज एनेबल क्रोम क्लाउड मैनेजमेंट कमांड लाइन फ्लैग ऑफिशियल गूगल क्रोम कैन ट्राई। ठीक है, ये मेरे को बोला एंड चेक द परमिशन। तो क्रोम ऑप्शन ओके, क्रोम ऑप्शन में अवेलेबल न्यू क्रोम ऑप्शन एड आर्गुमेंट ओके। अपन एक बार ना सेटअप करने से पहला क्रोम ऑप्शन का पूछते हैं, इनकर क्रोम ऑप्शन ड्राइवर एक बार रन मार के देखते हैं परमिशन दिया क्या आपने को। Thank you.
को ना थोड़ा सा एक चीज डाउट है, हाउ टू, ये मुझे एनेबल करना है तो बंद कर रहा है, एनेबल कर, उसने बोला साइट प्रॉपर्टी क्या एनेबल मैनेजमेंट ये है और वेब ड्राइवर नीचे इनिशियलाइज करने, ओके ओके, वेब ड्राइवर नीचे इनिशियलाइज किया है, वेब प्रॉपर्टी सेट कर दिया, नीचे इनिशियलाइज किया, ऐड आर्गुमेंट, किसको ऐड में ऑप्शन को, ऑप्शन और नीचे क्या है के अंदर पैरामीटर पास किया, अरे ठीक है ये सेव, अब ये रन करना चाहिए भाई, प्लीज यूज कमांड लाइन टू एनेबल, अच्छा कमांड लाइन से एनेबल करना है, ठीक है भाई, समझ रहा है ना तेरे को, थोड़ा थोड़ा नहीं समझ रहा है, ये सेटअप का लेटेस्ट वर्जन है, मतलब समझ भाई, अब जैसे कि कुछ नया समझ, तू अभी कोडिंग कर रहा है बाई चांस कुछ हो गया अपडेट तो ये सब आना चाहिए भाई, समझा, ये सब भी काम आता है टेस्टिंग में, समझ, किसी को पूछने का जरूरत नहीं, देख रहा है बैश है, बैश है ना, सी एम डी करने का, राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, क्रोम इज नॉट रिकॉग्नाइजिंग, ठीक है क्रोम इज नॉट रिकॉग्नाइजिंग बोला तो अभी अभी जब भी रिकॉग्नाइजिंग नहीं बोला ना तो मुझे इसको पहला शिव दबा के इधर जाके सी एम डी ऑन करना है, मतलब उसके पाथ पे जाके और ये करना है, क्रोम एनेबल क्रोम, देख अभी कैसा वो रिकॉग्नाइज किया, ओके अभी हम लोग क्या करेंगे ना लॉन्च करने के बाद, क्रोम इन योर सिस्टम मेक श्योर दैट यू करेक्ट पाथ ऑफ एग्जीक्यूटेबल पैरामीटर यूजिंग क्रिप्ट इन कमांड एंड क्रोमियम मॉडिफाई, ठीक है एक बार ये कोड ना अपन कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद एक इसमें जावा क्लास बनाता हूँ, नया वाला क्लास रितेश, ठीक है और ये पाथ को ठीक है क्रोम ड्राइवर हो गया सेव, अभी अपन सिंपल सा ये रन करके देखते हैं, और ये एरर एरर क्या है, ठीक है ये एरर अभी देख, अभी ये हम लोग ने और यहाँ पे हम लोग पाथ देते हैं, अब ये नया चीज़ आया ना भे नहीं, तब से दिमाग का शॉट है भाई,
एक कोरियन वर्जन क्या चला रहा था, मैंने उसको सुना ना। ओपनिंग एग्जिस्टिंग ब्राउजर 7.1। भाई ये अभी कुछ तो भाई पैरामीटर शायद से पास कर, नया ये नया जब से अपडेट आया ना ये वर्जन वाला, तब से भाई पूरा डाल नहीं रहा है भाई URL। ठीक है ठीक है, टाइम आउट हो रहा है, पता नहीं भाई अभी क्या इश्यू है, वर्जन भी बराबर है। एक काम करता हूँ उसको इसमें ही डालता हूँ, ठीक है उसको स्टॉप करता हूँ, एक लाइन का टाइम आ रहा है। सेटअप का कुछ तो इश्यू तो ठीक है, एक काम करते हैं अपन, अपना दूसरा भाई भी है ठीक है, अगर समझ ऐसा इशू आ गया फ्यूचर में ठीक है, एक ब्राउज़र चल रहा नहीं है तो उस टाइम में क्या करें, ऐसा सॉल्यूशन क्या है ठीक है, तो अपने पास दूसरा भी ऑप्शन है, अपने पास एज ब्राउज़र है ठीक है, तो हर नहीं मानना कोई भी चीज़ पर, समझ अपन क्या है इंजीनियर है, तो ऐसा हो गया ना। इसके बिना चलेगा नहीं क्या, नहीं चलेगा। मुझे कोड डालना है, एक मिनट है। क्या है ये एज हरामी, ठीक है एज का वर्जन क्या है पहले वो देख लेते भाई, कोई नहीं कुछ एक्सेस करने नहीं दे रहा मेरे को, ये दिमाग का शॉट है भाई।
थोड़ी वाट लगा दिया भाई इसके ऊपर। ठीक है भाई, क्रोम भी हग रहा है, ये भी हग रहा है, सब हग रहा है। ठीक है हम लोग अबाउट सेशन चेक किया, इसका भी 123 वर्जन है एज का। ठीक है तो एज ड्राइवर डाउनलोड करते हैं 123 वर्जन वाला। ठीक है एक बार मार के देखते हैं, अच्छा क्या होता है। एज ड्राइवर डाउनलोड, माइक्रोसॉफ्ट एज ड्राइवर 123 वर्जन लेटेस्ट वाला। ठीक है माइक्रोसॉफ्ट एज गया अपन यहाँ पे, 123 स्टेबल वर्जन मैक 64 86 वाला लगा। अभी वर्जन डाउनलोड किया, इसको थोड़ा एक्सट्रैक्ट करते हैं फाइल को। ठीक है MSD आ गया ये। यहाँ पे गए, पार्ट डाले। ठीक है एज ड्राइवर का आएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे वेब ड्राइवर का क्रोम, यहाँ पे आएगा एज। ठीक है EDG एज ड्राइवर। क्रोम ड्राइवर निकालो, इनिशियलाइजेशन का मतलब नहीं, ऑप्शन निकालो। ठीक है यहाँ पे आएगा EDG ड्राइवर, इंपोर्ट एज ड्राइवर इंपोर्ट किया। ठीक है अभी ये एज ड्राइवर पर चलेगा। ठीक है वेब ड्राइवर सेटअप कर दिया, एज ड्राइवर को कॉल कर दिया। अब यहाँ पे आएगा क्या आएगा बता, इधर एज ड्राइवर दिख रहा है MSD माइक्रोसॉफ्ट एज ड्राइवर .exe फाइल, नाम कॉपी किया पेस्ट सेव। अब रन करके देखते हैं, ये रन हुआ, URL डाला। ठीक है 2 सेकंड रुका, अब देख मेरा अभी देखिए मेरा कुल, ठीक है कुछ फेल हुआ देख, अभी मेरा ना सूट क्लोज नहीं हुआ। ठीक है आफ्टर डाउन क्लोज नहीं हुआ क्योंकि वेब ड्राइवर दिस डॉट इज नल, मतलब कैनॉट इन्वोक वेब ड्राइवर डॉट क्विट। तो वेब ड्राइवर इज नल। ठीक है देखो समझा भी क्या क्या सीन हो गया है। ओके ये एरर भी सॉल्व करते हैं अभी। ठीक है ये अभी इसका ये कोड मिल गया अपन को, इफ वेब ड्राइवर इज नल, तो ये आ गया है। अभी देख ये मेरा जो वेब ड्राइवर है ना ये नल है, वेब ड्राइवर हम लोग ने कुछ किया वेब ड्राइवर को नल असाइन किया है। तो ये अगर समझ तो ये रन करने के लिए है, अब देख मैं रन किया इसको, इनिशिएट हुआ, टेस्ट इंजन चला मेरा, सेटअप चालू किया, ओपन चालू किया, URL डाला, क्रोम खुला और फेल हो गया। फेल क्यों हुआ, कैनॉट इन्वोक वेब ड्राइवर डॉट गेटर बिकॉज दिस ड्राइवर इज नल सिस्टम डॉट ओके। तो जब ये कुछ दूसरा चीज़ है ये, अब इसका भी सॉल्यूशन निकालेंगे यहाँ से। देखिए कैसा कैसा कर रहा हूँ, मुझे भी इतना आता नहीं है। ठीक है मैं सॉल्यूशन यहाँ से निकाल रहा हूँ। ड्राइवर इक्वल टू क्रोम ड्राइवर, ठीक है पढ़ रहा ऐसे सिस्टम डॉट आउट डॉट, ये अपना टाइटल है, टियर डाउन में नल क्लोजर ड्राइवर। ठीक है ठीक है भाई चल जान दे,
cannot invoke operator order get title. ठीक है छोड़ यहाँ से अपन को ना बेसिक अगर मैं यहाँ पे जाऊँ सिस्टम डॉट ड्राइवर डॉट गेट टाइटल ठीक इतना सा अगर मैं कर दूँ ड्राइवर डॉट वोटो डाला ना ठीक है ड्राइवर डॉट ठीक है लेट्स सी ये रन होता है क्या मिनट नहीं हुआ अच्छा बेटर बिकॉज दिस इज नॉन चल ठीक है ये जान दे ये कुछ सीन है ड्राइवर डॉट अरे हक दिया भाई शायद से अपन ने मुझे ऐसा लगता है ठीक है इसको हटाओ चल ठीक है ये अपन हटा देते हैं ये कोड अब तो सोच ले भाई ओ भाई सो गया क्या सो गया अभी अपन को क्या करना देख अपना सेटअप समझ हो गया भाई ठीक है अगर मैं यहाँ पे कोड लिखूँ ड्राइवर ड्राइवर डॉट ट्वीट ठीक है तो अभी अपना ये चलेगा देख कोड रन रहेगा ठीक है अपन ये आफ्टर क्लास जान दे आफ्टर क्लास का जान दे थोड़ा सीन लग रहा है तो अपन किया क्लोज हुआ पास टेस्ट केस एक दिख रहा है एक रन हुआ एक पास हुआ समझा और अपना ओपन ब्राउजर टेस्ट आ गया ठीक है हाँ तो अभी अपन क्या करना है बता बेसिक समझा तेरे को टेस्ट एनजी बिफोर क्लास सेटअप किया प्रॉपर्टीज ठीक है ड्राइवर इनिशियलाइज किया गेट और टाइटल ये तीन चीज डाल दिया भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई याद रख ठीक है अभी टेस्ट एनजी हम लोग ने तो कर दिया है तो अभी अभी अपन को ना एक फाइल जनरेट करने का पड़ेगा टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल रुक जाए एक फाइल अपन एक और फाइल देखो एक और चीज़ बताता हूँ टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल फाइल अभी टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल फाइल होता क्या है देख ठीक है ये अपना थ्रेड काउंट है ये अपना है पैरेलल एग्जीक्यूशन थ्रेड काउंट ये ऑक्टेव एस्टिमेट ठीक है ये अपना सूट अपन क्या करते हैं ना अभी टेस्ट चेंज अपन देख अभी किधर से रन करेंगे अभी अपन ने नॉर्मल स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट कहाँ से रन किया था यहाँ से रन किया था ठीक है अभी मेरे को समझ मेरे मैंने बहुत सारे टेस्ट केस लिखे बहुत सारे टेस्ट केस लिखे तो यहाँ पे ना मैं एक न्यू फाइल बनाऊँगा
फाइल, इसके अंदर फाइल नेम टेस्ट एन जी डॉट एक्स एम एल, आई होप मैं क्रिएट कर पाऊँ। ठीक है, ये क्रिएट कर दिया मैंने, यहाँ पे इसका कोड डाल दिया। अब ये सूट विद सूट मस्ट बी डिक्लेयर, क्लास समझता है क्लास। तो यहाँ पे अपन मेथड डाल सकते हैं, मतलब बहुत सारे मेथड, जैसे कि समझ अपन ने मेथड मेथड किया। ठीक है, यहाँ पे क्लास दिख रहा है ना, क्लास मतलब क्या कि क्लास मतलब ये मेरा क्लास, क्लास का नाम। ठीक है, क्लास का नाम। ठीक है, और यहाँ पे अगर मेथड लिखो ना, मेथड मेथड लिखूंगा जो जो मेरे को टेस्ट, अभी ये मेरा मेथड है ओपन टेस्ट ब्राउजर, ये मेरा मेथड है। तो मेरे को ना सिर्फ टेस्ट एनजी में अगर यहाँ पे मेथड नेम इक्वल टू यहाँ पे मेथड का नाम डाल देने का बस, और मेरे को जो जो मेथड रन करना है यहाँ से मैं रन करूँगा। समझा, राइट क्लिक मार के डन एज कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, उसको थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन करते रहो टेस्ट एनजी डॉट ओ आर का। ठीक है, टेस्ट एनजी थ्री नाइन, देखिए सर आ गया, अप्लाई रन रन करूँ उसको, ये भी मेरा टेस्ट एनजी रन होएगा। देख, टेस्ट एनजी रन हुआ, क्लोज हुआ, दिख रहा है इधर से रन किया। अभी ऐसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने रन किया है वो चीज़ को, देखिए अभी देखिए अपना टेस्ट, ठीक है रन। अभी फॉर एग्जांपल देखो, देखो एक चीज़ बताता हूँ, अभी मैंने यहाँ पे ना इसको हटा दिया, ये मेरे को कुछ नहीं करना है। क्लासेस के अंदर मैंने क्या किया, मेथड लिखा, क्या लिखा मेथड, मतलब ठीक है देखते हैं मेथड का नाम आ सकता है कि नहीं। क्लासेस मस्ट बी मैच विद द क्लास का पैरामीटर, तो जापन पे थोड़ा सा इसको मैं देखते हैं, ये क्लास नेम है, क्लास नेम, क्लास नेम मेथड नेम दिखते हैं। ठीक है, देखिए मेथड आया, कॉपी किया इसको, अब देख इसको हटा के इधर डाल दिया। ठीक है, अब सुन, अब मैंने क्या किया, मेथड को मैंने क्या किया, इंक्लूड किया। मेथड में अपन क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, अगर जो मेरे को टेस्ट केस रन करना है ना, समझ, जैसे कि मैंने देख यहाँ पे मैंने क्या किया, ये मेरा टेस्ट केस, एक टेस्ट केस हुआ ओपन ब्राउजर का, मैंने कॉपी किया सेम, मैंने मतलब मेरे को मल्टीपल टेस्ट केस बनाना है, एक दो तीन। ठीक है, टेस्ट केस वन नाम चेंज किया टेस्ट केस टू, ठीक है ये नाम डाला मैंने। अब मेरे को पहला ब्राउज़र का नाम मैंने क्या किया, टेस्ट एनजी में डाला, ब्राउज़र वन का नाम डाल दिया। ठीक है, एक टेस्ट केस रन हुआ मेरा सेव, ये मेथड नेम, इसमें गया ओपन ब्राउज़र वन में गया, टेस्ट एनजी में गया वापस मेथड टू, मतलब मल्टीपल टेस्ट केस मेरे को रन करना है। ठीक है, मैंने टेस्ट केस लिखा, अब यहाँ पे राइट क्लिक मार के रन एज टेस्ट एनजी रन किया। अब ये क्या बोल रहा है, कैन नॉट फाइंड द पाथ फॉर एग्जाम्पल, ओके कैन नॉट फाइंड द पाथ। अभी देख मैंने तो ये सेलिनियम टेस्ट केस दिया ना, कॉम डॉट सेलिनियम टेस्ट केस, तो सेलिनियम टेस्ट केस के अंदर मेरा है ही नहीं वो। अभी मैंने किधर टेस्ट केस लिखा वो तो चेक करना पड़ेगा अपन को। ठीक है, तो ये सेलिनियम टेस्ट केस, मेरा नाम क्या है टेस्ट केस का, क्लास नेम क्या है, सेलेनियम टेस्ट है ना। हाँ समझा, अभी सेलेनियम क्लास के अंदर मेरा अब चलेगा, समझा, एक हुआ एक काम करते रुक जा, मैंने हक दिया थोड़ा, आई थिंक अपने ये अभी देख उसके अंदर नहीं, सेलेनियम टेस्ट, ये सेलेनियम टेस्ट है ना अपना, सेलेनियम टेस्ट के अंदर अपना इसको कॉपी किया अपन, एक और टेस्ट केस, टेस्ट केस वन नाम दिया चेंज किया अपन ने। ठीक है, ब्राउजर में जाके सेलेनियम टेस्ट, इसको हटा देते हैं, ये डिलीट हो गया,
इसमें सेव किया, इसको रन किया, देखते रन होते रहे। क्लास फाइंड द क्लास पाथ, ठीक है, क्लास पाथ क्या है अपना, सेलिनम डॉट टेस्ट, सेलिनम टेस्ट, कैनॉट फाइंड द क्लास पाथ। ठीक है, मैंने सेट कर दिया सूट, अब ये रन होएगा, देख एक रन हुआ, एक क्लोज हुआ, ठीक है, नेक्स्ट रन हुआ, नेक्स्ट क्लोज हुआ, समझा, समझा तेरे को कुछ थोड़ा सा भी समझा कि नहीं? हाँ हाँ समझा। तो मतलब जैसे कि मेरे को अभी मल्टीपल टेस्ट केस रन करना है, तो ये काम आएगा, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया, टेस्ट केस में जाके यहाँ पे मैंने मल्टीपल टेस्ट केस लिखा, मतलब समझ कोई ब्राउजर हो गया, कोई दूसरा चीज़ हो गया जैसा, ठीक है, समझ। जैसे कि कोई मैंने लिखा अमेजोन लॉन्च किया, अमेजोन का कोई कोड लिखा, ठीक है, फ्लिपकार्ट का, तो ऐसा तो मल्टीपल टेस्ट केस कर सकता है सेलेनियम डॉट यहाँ से रन करके। तो ये आता है अपने पिक्चर में टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल काम, ठीक है। पॉम डॉट एक्सएमएल का कब काम आता है, जब हम लोग यहाँ पे मेवन रिपोजिटरी बिल्ड करते हैं, ठीक है। मेवन रिपोजिटरी बिल्ड किया, ये रिपोजिटरी जैसे मुझे कुछ समझ रिपोजिटरी चाहिए, कुछ भी चाहिए मुझे, तो यहाँ से मैं जाके मेवन रिपोजिटरी में जाके यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड कर सकता हूँ, मतलब इतना सा कोड ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट एनजी का देखा, यहाँ पे लिखा है सेलेनियम वेब ड्राइवर्स के, लिखे कुछ और ऐड करने हैं, कुछ जैसे कि बहुत सारा, फॉर एग्जांपल एक होता है डिपेंडेंसी, क्या बोलते हो ना, सिकुली बोलते हैं, सिकुली, सिकुली सुना कभी? सिकुली यूज़ करते तो उसका डिपेंडेंसी हम लोग यहाँ पर ऐड कर दिया, तो जावा जार ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो सिकुली का यहाँ पर डाल दिया, और कोड लिखना, सिकुली का कोड लिखना पड़ेगा टेस्ट एनजी के यहाँ पे, सिकुली के कोड, बस वहाँ से रन किया तो ऑटोमेटिकली चलेगा, समझा तेरे को कुछ? तो आज के लिए अपन रैप अप करते हैं, ठीक है। आई होप थोड़ा सा तेरे को एक ओवरव्यू पता चल गया रहेगा कि अपन क्या कर सकते हैं, ठीक है। अगर कभी भी अपन ना समझ कुछ चल रहा नहीं ना, तो अपन अभी जैसे कि क्रोम का अभी देखो, अभी लेटेस्ट वर्जन आ गया, तो मेरे को थोड़ा आरएनडी, मेरे को खुद को आरएनडी करना पड़ेगा कि ये क्यों नहीं चल रहा है क्रोम का। तो कभी कभी क्या होता है ना भाई, मैनेजर को ये चाहिए कि भाई तूने ऑटोमेशन किया, तो जरूरी नहीं क्रोम पे ही करो, कोई दूसरा ब्राउजर भी निकाल लेने का, ठीक है। कोई पूछा भाई तूने कभी एच पे काम किया है, तो बोला हाँ भाई किया है भाई, एज का ड्राइवर का नाम क्या रहता है, एमएसडी एज ड्राइवर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो कैसा यूज़ करते हैं, वेब ड्राइवर एज ड्राइवर, वेब ड्राइवर डॉट एज ड्राइवर, एज डॉट ड्राइवर, ऐसा। तो उसको इनिशियलाइज करने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन एक लिखेंगे कोड, वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल टू न्यू एज ड्राइवर, ड्राइवर लिखा, गेट प्रॉपर्टी डाला, ये सब डाल दिया, हो गया, आ गया, ऐसा, समझा देखो बेसिक। देख यहाँ पे लिख के आएगा, देख, और टेस्ट एनजी का खासियत क्या बताएगा, देखो पता चलेगा, देख तूने कितना रन चालू किया, टेस्ट एनजी टू रन किया, टू पास। तो यहाँ पे देखो ना उसका अच्छा रिपोर्ट भी दिखेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखा अभी, अभी इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड रिपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या टारगेट में गया, आउटपुट दिख रहा है या आउटपुट? हाँ टारगेट में, आउटपुट, आउटपुट में, जैसे कि यहाँ पे हम लोग गए, गो शो इन सिस्टम एक्सप्लोरर, सिस्टम एक्सप्लोरर गए मैं अभी, जैसे कि देख, तो ये मेरा स्ट्रक्चर है, फाइल स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर मैं टारगेट में गया, टारगेट में क्या क्या किया है हम लोग, आउटपुट में देख, आउटपुट में यहाँ पे हम लोग देख रहा है सेलेनियम टेस्ट सूट, यहाँ पे दिखेगा जो जो टेस्ट केस हम लोग ने किया ना, फेल वाले दिखता है, ये सब रिपोर्ट में सेलेनियम के। तो ये सब रिपोर्ट देखने का काम आता है, मैनेजर को सीधा ये रिपोर्ट भेज देने का भाई, सिंपल वाला, समझा। ये सब रिपोर्ट से पता चल जाता है कि तूने टेस्टिंग किया है, ये सब काम आएगा। अभी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई थिंक रिजल्ट वाला अपने शायद से डाला नहीं है, जो यूनिट रिपोर्ट सेलेनियम टेस्ट केस का दिख ठीक है, ये रिपोर्ट है भाई, कितने टेस्ट केस रन किया, ऐसा अपन एक रन किया डिफॉल्ट वाले में,
तो ये सब रिपोर्ट भी काम आता है। रिपोर्ट में दिखेगा, देख देख यहाँ पे देखो, रिपोर्ट में दिखेगा रिजल्ट, एक टू मेथड टू पास दिख रहा है। तो ये सब चीज़ भी इंपॉर्टेंट होता है, रिपोर्ट रिपोर्ट भी सब। हल्लोलू तेरे को समझेगा, हल्लोलू जैसे तू काम करना चालू करेगा ना, आई होप तेरे को थोड़ा सा क्लियर हो गया रहेगा आइडिया। क्लियर हुआ थोड़ा सा? मतलब अपन कर, अपन ने किया क्या, देख अपन ने एक प्रोजेक्ट बनाया। कौन सा प्रोजेक्ट बनाया? मेवन, मेवन वाला, जहाँ से हम लोग को कोई चीज़ मैनुअली नहीं करना है। जैसे कि जार्स, कोई जार्स ढूंढना है तो हम लोग को जार्स ढूंढना जरूरी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जार्स अगर ढूंढने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, मेवन में जाके, मेवन के रिपोजिटरी में जाएंगे। किसमें? मेवन के डिपेंडेंसी, देख ये सब डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली आ जाता है। देख मेरे को ये सब डाउनलोड करने का जरूरत नहीं पड़ा, ये सब जार्स क्यों नहीं पड़ा, बिकॉज मेवन ने भाई हम लोग को डिपेंडेंसी ऐड करने का मौका दिया है। तो फॉर्म डॉट एक्सएमएल में हम लोग सिर्फ डिपेंडेंसी ऐड कर देंगे। डिपेंडेंसी ऐड किया ऑटोमेटिकली जो आएगा, कुछ भी चीज़ एक्स्ट्रा करना है तो हम लोग डिपेंडेंसी ऐड करेंगे। अगर समझ मेरे को एपीएम यूज़ करना है तो हम लोग एपीएम का डिपेंडेंसी ऐड कर देंगे यहाँ पे, जार्स ऑटोमेटिकली जार्स में मेवन डिपेंडेंसी में आ जाएगा, समझा? बेसिक तो अभी कभी भी नेक्स्ट टाइम जब भी कोई क्रिएट करेगा तो मेवन रिपोजिटरी ही क्रिएट करना फ्यूचर में। तो मेवन पे ही काम करते, जावा पे नहीं काम करेंगे क्या? जावा प्रोजेक्ट में, जावा प्रोजेक्ट में देख हम लोग क्या कर रहे हैं, सेलिनियम है, सेलिनियम का हम लोग ने एक फ्रेमवर्क यूज करा है TestNG, समझा? तो ये तीन का कॉम्बिनेशन है, सेलिनियम, मेवन और TestNG, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, समझा? ये तीनों का कॉम्बिनेशन से ये अच्छा बनाता है, इजी बनाता है कोई भी चीज़ को। अब अपन जावा, जावा का भी यूज़ करते हैं जब भी हम लोग को कुछ कोडिंग करना है, समझ, कुछ लॉजिक लगाना है, इफ एल्स, तब वहाँ पे जावा आता है, समझा? तो हम लोग TestNG की यूज़ करते हैं क्योंकि हम लोग को रिपोर्ट चाहिए, अच्छा सा रिपोर्ट चाहिए। तो TestNG फ्रेमवर्क अपन को ईजी करता है समझने के लिए। जैसे कि ये मैंने टेस्ट केस लिखा, ये एक मैंने मेथड लिखा, सिंपल सा मेथड लिखा। ये मेथड क्या क्या काम करेगा भाई, ओपन ब्राउजर करेगा, ठीक है, ऐसा। तो हम लोग को कुछ भी चीज़ ईजी बनाना है तो इसलिए फ्रेमवर्क इंक्लूड होता है। तो हम लोग TestNG यूज़ करें, समझा, ईजी बनाने के लिए, याद रहे, ठीक है। एक घंटे का वीडियो हो गया ऑलमोस्ट, एक घंटा अपन ने कर दिया है। तो तू अपने अभी सिस्टम पे ना क्या काम कर ये पूरा रिकॉर्डिंग हो गया, मैं अपना यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है, रिकॉर्डिंग तू वहाँ से देख सकता है, भेजूंगी ये, ठीक है, मैं तेरे को लिंक भेज दूंगा, कुछ डाउट रहेगा तो वहाँ से देख लेना। मेरा चैनल तो वो लिंक भेज दूंगा, मैं वही लिंक भेज दूंगा, मेरे खुद का चैनल है प्रीतेश गहलोत वाला, उसको देखो। हाँ ये सेलिनियम का, ये अरे मतलब ये कैसा रिकॉर्ड हो गया ना, अभी मैं रिकॉर्ड भेजूंगा, ये 1 GB का कितना जीबी का रहेगा बड़ा। चैनल का नेम, चैनल का नेम क्या, मतलब कौन सा कंटेंट डालते हैं तू चैनल पे, सेलिनियम वाला डालते हैं, कोई भी के डाल, कोई भी भाई, वो मेरा ऑफिशियल, मतलब मेरा खुद का पर्सनल चैनल है तो भाई अपन कुछ भी डालते हैं, कॉन्टेंट डालते हैं मतलब अंदर बस, ठीक है। समझ में आया तेरे को, बेसिक समझ में आया कि नहीं, अपन ने क्या क्या किया? और देख कुछ भी डाउट रहेगा तो अपन किसको पूछते हैं, ChatGPT को, ठीक है। ChatGPT यूज करना चालू कर, अभी अपना फ्यूचर ChatGPT है। गूगल अपन सर्च करते हैं ना, गूगल पे कुछ भी सर्च मारते हैं तो वहाँ पे टाइम लगता है कुछ सर्च करने के लिए। तो ये अभी अपना मतलब एक फ्रेंड, ये अपना असिस्टेंट हो गया, कुछ हुआ बेसिक तो ये अपने यहाँ से समझ के लेते हैं अपन, ऐसा हो गया अभी आज का टाइम पे, तो ये आज का AI का जनरेशन है, समझा। अभी तू तेरा स्क्रीन बंद कर, मैं मेरा स्क्रीन चालू कर, मैं ये रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, ठीक है, बंद कर, चल ओके।